आज ऑन पॉपुलर डिमांड मैं बना रही हूँ चीज बर्स्ट पिज्जा, और ये चीज बर्स्ट पिज्जा मैं बना रही हूँ आज गो चीज के साथ, जिसमें मैं दो डिफरेंट तरीके के चीज यूज कर रही हूँ। एक तो मैं यूज कर रही हूँ गो पिज्जा चीज, और दूसरा मैं यूज कर रही हूँ चीज स्प्रेड। तो शुरू करते हैं बनाना चीज बर्स्ट पिज्जा। तो सबसे पहले चीज बर्स्ट पिज्जा का मैं बेस बना रही हूँ, तो उसके लिए हमें आटा लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप्स मैदा लिया हुआ है। आप हाफ मैदा और हाफ आटा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। ये आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल एक साइड में ही नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो इंस्टेंट ईस्ट आता है वो मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास शक्कर है। ये दोनों आप एक साथ मिक्स कर सकते हैं, पर नमक को थोड़ा सा ईस्ट से दूर रखिए, क्योंकि ईस्ट और नमक साथ मिलके वो ईस्ट को डेड कर देगा और फिर वो राइज नहीं आएगा आटे में। तो ये हम एक साइड पर डाल देते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका ईस्ट अच्छा है कि नहीं, तो पहले ही आप लूकवॉर्म वाटर में ईस्ट और शक्कर को घोल के रख दीजिए, और 1 मिनट के बाद अगर उसमें अच्छा सा बबल और झाग आ जाए उसके बाद भी आप वो ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि इंस्टेंट ईस्ट है या तो फिर जो एक्टिव ईस्ट आता है वो सब आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये ईस्ट और शक्कर को आटे में मिक्स कर देती हूँ, और अब जाके ये नमक वाला पार्ट मैं मिक्स करूँगी। और अब मैं इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 कप जितना पानी जाता है, वो भी लूक वार्म वाटर, वो ऐड करते हुए एक सॉफ्ट सा आटा बना लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा आटा बन चुका है। अब लास्ट में ये आटे पे मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ हर तरफ, और अब ये आटे को मैं ढक के छोड़ दूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए। बाहर के स्मॉल जॉइंट्स, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में गो चीज़ ही यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ चीज़ अवेलेबल है। तो मैंने सोचा इसीलिए आज का चीज़ बस पिज़्ज़ा मैं भी गो चीज़ से बनाती हूँ। अब ये देखिए 1 घंटे बाद ये आटा फूल के डबल हो जाता है। बस यही टाइम पे ये आटे को मैं ये वर्क स्टेशन पे निकाल देती हूँ। अब ये जो आटा हमने बनाया था उसमें से इक्वल पोर्शन में मैंने 2 पेड़े काट लिए हैं। ये 1 पेड़े में से तो मैं बेस बनाऊंगी, और 1 पेड़े का आधा मुझे चाहिए, क्योंकि इसमें से हम छोटा वाला एक बेस बनाएंगे जो कि कवर बनेगा। और आज का ये जो चीज़ बस पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं वो ओवन में नहीं, गैस पे बना रही हूँ। तो पहले ये जो छोटा वाला बेस हमने बनाया है इसको मुझे पकाना है। ये बेस को मैं प्रिक कर देती हूँ फोर्क से। ये देखिए छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स कि ये एक साइड से पक रहा है। जो स्वाद आपको बाहर के चीज बस पिज्जा में मिलता है वही स्वाद मैं आपको गो चीज के पिज्जा चीज एंड चीज स्प्रेड के साथ देने की कोशिश करूंगी। ये छोटा वाला पिज्जा बेस तो दोनों तरफ से पक चुका है, तो वापस से थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेते हैं। अब बेस को बेलते हैं। अब ये बेस के ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ गो चीज स्प्रेड। ये मैं अच्छा खासा चीज स्प्रेड लगाऊंगी। और अब ये छोटा वाला बेस मैं रख दूंगी बीच में, और ये वाले बेस को हम क्लोज कर देंगे। अब ये बेस के ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ पिज्जा सॉस, और ये पिज्जा सॉस की रेसिपी आप मेरे रोटी पिज्जा वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गो पिज्जा चीज। और अब जाएगा पिज्जा सीजनिंग और कुछ चिली फ्लेक्स। क्या बढ़िया क्वालिटी है गो चीज की, ग्रेट ऑन टेस्ट एंड 100% काउ मिल्क से बना है, सो ग्रेट इन हेल्थ टू।
तो अब ये चीज बर्स्ट पिज्जा को हम पकाएंगे एकदम मीडियम फ्लेम पे, ढक के पकाएंगे। बहुत ही अच्छा पिज्जा बनके रेडी है। ये देखिए, ये कितना अच्छा चीज स्प्रेड भी दिख रहा है और जो ऊपर हमने पिज्जा चीज डाला था वो भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हुआ है। लीजिए, तैयार है गो चीज से बनाया हुआ चीज बस पिज्जा, क्योंकि हर टेस्टी चीज में है गो चीज। दिस इज अमेजिंग। आई थिंक मैं पिज्जा खाती इसके लिए हूँ। टू गुड।